नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अपने प्लस टू की फिजिक्स पढ़ रहे थे और अपने लास्ट जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था अध्यारोपण का सिद्धांत, वो था अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, लास्ट जो अपने टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अपने अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे थे। अध्यारोपण का सिद्धांत अपने को बताता है कि यदि दो या दो से अधिक आवेश किसी एक आवेश पर क्या कर रहे हो, बल आरोपित कर रहे हो, जैसे Q1 और Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 इस प्रकार से ये सभी क्या कर रहे हो, Q0 पर यदि बल आरोपित कर रहे हो, तो परिणामी बल का मान जो आएगा, यानी Q0 पर लगने वाले परिणामी बल का जो मान आएगा, वो इन सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों के अलग अलग योग के बराबर आएगा। इन सभी अलग अलग बलों का योग करेंगे, उससे जो परिणामी मान आएगा वो क्या आएगा, F आएगा। ठीक है, इस प्रकार से जैसे इस एग्जाम्पल की बात करें अपनी, देखना अध्यारोपण का सिद्धांत अपने को बताता है कि यदि दो या दो से अधिक आवेश किसी एक आवेश पर बल आरोपित कर रहे हो, तो उस आवेश पर लगने वाले परिणामी बल का मान उन आवेशों के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर आएगा। ठीक है, इसे अपने क्या बोलते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत बोलते हैं। साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि जैसे F1 बल लगा रहा है और ये कितना लगा रहा है, F2 लगा रहा है, तो परिणामी जो आएगा उसमें F1 आएगा, F2 आएगा, और यदि F3 और F4 लगाए तो F3 भी आएगा और F4 भी आएगा, पर इनके मध्य जो बल लग रहा है, जो भी इनके मध्य बल लग रहा है, उसका इस परिणामी में कोई योगदान नहीं होता है। इसे अपने क्या बोलते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, अब देखो अपने आगे, बहु आवेशों के कारण बल, बल या कूलाम का नियम बोल सकते हो आप इसे, बहु आवेशों के कारण लगने वाला बल। ठीक है, तो बहु आवेशों के कारण लगने वाले बल की यदि बात की जाए, तो कल आप लोगों ने जैसे पढ़ा था उसमें अपने दो आवेश ले रखे थे, आज अपने क्या करेंगे, कोई एक परीक्षण आवेश ले लेते हैं, जैसे Q0 अपने पास में एक परीक्षण आवेश है, कितनी दूरी पर है ये, मूल बिंदु O से R0 वेक्टर दूरी पर है, और एक अन्य आवेश मान लेते हैं जिसका नाम क्या है, Q1 है, और ये Q1 क्या कर रहा है, Q0 पर बल लगा रहा है, दोनों धनावेश है, तो इस प्रकार से ये क्या करेगा, बल लगाएगा, जिस पर बल लग रहा है उसको पहले लिख दो और जो बल लगा रहा है उसे बाद में लगा दो, तो जीरो पर एक के कारण बल की दिशा ये आएगी। तो अपने अभी क्या किया है, इसका पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर मान लेते हैं, ये एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है। ठीक है, अपने क्या लिखा है, अपने लिखा है कि यदि O क्या है, अपना मूल बिंदु है, और ये एक्स है और ये वाई एक्स है, और दो अपने पास में आवेश है, एक Q0 है और एक Q1 है, Q0 जो है इससे R0 वेक्टर दूरी पर है, और ये जो Q1 है ये इससे R1 वेक्टर दूरी पर स्थित है। तो अब अपने एक और आवेश लेते हैं, जैसे इस जगह Q2 आवेश ले लिया, ये अपने पास में Q2 आवेश है, इस पर यदि अपने देखें F02 वेक्टर आएगा, एक और आवेश लेते हैं, ये मान लिया Q3 है, ये जो बल आरोपित करेगा कितना आएगा, ये आएगा F03 वेक्टर। इसी प्रकार अपने पास में मान लेते हैं ये कौन सा आवेश है, Qn, ये भी क्या करेगा, इस पर बल आरोपित करेगा, और वो कितना आएगा, वो आएगा F0n। तो इस प्रकार से अपने पास में कोई एक परीक्षण आवेश Q0 है, इस पर क्या कर रहे हैं, Q1, Q2, Q3, ये Q1 लिया था, ये Q2 है, और इसी प्रकार अपने Q3 लिया है, और इसी प्रकार अपने Qn लिया, ये सभी आवेश क्या कर रहे हैं,
इस आवेश Q0 पर बल आरोपित कर रहे हैं। अपने अध्यारोपण के सिद्धांत के द्वारा इन सभी बलों का मान जो है वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं आवेश Q1 के कारण, Q1 के कारण Q0 पर लगने वाला बल, ठीक है, आवेश Q1 के कारण Q0 पर लगने वाला बल। तो इस बल का यदि अपने मान ज्ञात करेंगे तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को सबसे पहले लिखना पड़ेगा F0, क्योंकि 0 पर लग रहा है ये, और ये 1, और इसके साथ में अपने क्या लगा देंगे, वेक्टर लगा देंगे, और साथ में क्या आ जाएगा, के समानुपाती नियतांक है जिसका मान 9×10⁻⁹ होता है। के की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, 1/4πε0 लिख सकते हो। और साथ में देखो आवेश Q0 Q1 R01 और R01 कैप, ये R01 स्क्वायर आएगा और ये R01 कैप आएगा। तो ये अपने किसका मान लिख दिया, ये अपने F01 वेक्टर का मान लिख दिया। अब अपने बात कर लेते हैं, इसे समीकरण 1 लगा देता हूँ। अब अपने देख लेते हैं Q2 के कारण Q0 पर लगने वाला बल, Q2 के कारण Q0 पर लगने वाला बल ये आएगा कि Q0 Q2 R02 स्क्वायर और R02 कैप, और ये समीकरण 2 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ आपको एक तो ये ध्यान रखना है, R लिखा भाई, कि R01 जो है, R01 अपने लिखा है, ये R01 क्या है, स्थिति सदिश है किसका, Q0 का। ठीक है, Q0 जो है वो Q1 के सापेक्ष किस जगह पर स्थित है, जैसे अपने कल वाले वीडियो के अंदर बात की थी, अपने लिखा था R12, R21, उसी प्रकार से ये क्या है, R01 है। ये R01 क्या है, दिशा है, ये जो बल लग रहा है उसकी दिशा किस ओर है, R01 की ओर है। इसी प्रकार अपने आगे देखते हैं Q3 के कारण Q0 पर लगने वाला बल, इसी प्रकार अपने Q3 के कारण Q0 पर लगने वाले बल की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आएगा F03 वेक्टर इक्वल के Q0 Q3 R03 और R03 कैप। ठीक है, ये समीकरण 3 आ जाए। इसी प्रकार अपने Q4 आ जाएगा, Q4 के कारण Q0 पर लगने वाला बल, ये क्या आएगा, ये आएगा के Q0 Q4 R04 स्क्वायर और यहाँ पर क्या आ जाएगा, R04 की कैप। ये समीकरण नंबर जो है वो 4 आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार Qn के कारण Q0 पर लगने वाला बल, Qn के कारण Q0 पर लगने वाला बल ये देखो कितना आएगा, ये आएगा F0n वेक्टर इक्वल के Q0 Q4 Qn आएगा सॉरी, और यहाँ R0n स्क्वायर और ये R0n कैप आएगा। ये मान लेते हैं समीकरण 5 आ जाती है अपने पास में। ठीक है, तो अपने क्या किया है, सबसे पहले अपने Q1 के कारण Q0 पर जो बल लग रहा है उसका मान ज्ञात किया, कितना है, F01 वेक्टर इक्वल के Q0 Q1 R01 स्क्वायर और R01 की कैप। Q2 के कारण Q0 पर लगने वाला बल, F02 वेक्टर इक्वल के Q0 Q2 और R02 की स्क्वायर और R02 की कैप। इसी प्रकार Q3 के कारण लगने वाला बल, F03 वेक्टर
इक्वल के क्यू जीरो क्यू थ्री आर जीरो थ्री स्क्वेयर और आर जीरो थ्री कैप। क्यू फोर के कारण क्यू जीरो पर लगने वाला बल कितना आया, एफ जीरो फोर वैक्टर इक्वल के क्यू जीरो क्यू फोर आर जीरो फोर की स्क्वेयर और आर जीरो फोर कैप आ जाएगा। क्यू एन के कारण क्यू जीरो पर लगने वाला बल ये आएगा एफ जीरो एन वैक्टर इक्वल के क्यू जीरो क्यू एन और आर जीरो एन स्क्वेयर और साथ में क्या आ जाएगा आर कैप जीरो एन। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या आ जाता है क्यू जीरो पर लगने वाले बलों का मान आ जाता है। अब अपने क्या लिखेंगे, अब अपने लिखेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या आएगा, ये आएगा एफ वेक्टर इक्वल एफ जीरो वन एफ जीरो टू एफ जीरो थ्री और इस प्रकार से क्या आ जाएगा ये एफ जीरो एन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एफ जीरो एन आ जाएगा। अब देखो सभी मान इसमें रख देते हैं, ये क्या आएगा एफ वेक्टर वन अपॉन के लिख देता हूँ के क्यू जीरो क्यू वन आर जीरो वन स्क्वेयर और आर जीरो वन कैप आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार के क्यू जीरो क्यू टू आर जीरो टू और आर जीरो टू कैप आ जाएगा और ऐसे लिखते लिखते अपने पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा के क्यू जीरो क्यू एन आर जीरो एन स्क्वेयर और आर जीरो एन कैप आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आर जीरो एन कैप आ जाएगा। अब देखो यहाँ अपने क्या लिख सकते हैं, अपने कॉमन ले सकते हैं के क्यू जीरो को और अंदर क्या बचेगा, अपने पास में बचेगा क्यू वन अपॉन आर जीरो वन स्क्वेयर और आर जीरो वन कैप। यहाँ आ जाएगा क्यू टू आर जीरो टू स्क्वेयर आर जीरो टू कैप और इसी प्रकार अपने पास में क्यू एन आर जीरो एन स्क्वेयर और आर जीरो एन कैप आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास में किसका मान आ गया, एफ वेक्टर का मान आ गया। अब अपने आगे क्या करते हैं, आगे अपने इसका समीशन रूप लिखेंगे और समीशन रूप अपने एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, फिर हटा करके इस जगह लिख दूँगा। तो सबसे पहले अपने क्या पढ़ रहे हैं, अपने पढ़ रहे हैं बहु आवेशों के कारण लगने वाले बल का मान। अपने एक्स वाई एक निर्देश तंत्र लिया है, ठीक है, और इस निर्देश तंत्र के अंदर अपने एक परीक्षण आवेश लिया है क्यू जीरो। ये अपने पास में क्या है, क्यू जीरो एक परीक्षण आवेश है और जो कहाँ पर स्थित है, जो ओ से आर जीरो वैक्टर स्थिति पर स्थित है और एक आवेश Q1 है जो R1 वेक्टर दूरी पर है मूल बिंदु O से और अपने क्या किया है इस पर लगने वाले बल को देखा है जो कितना है F01 वेक्टर है। देखो Q1 के कारण Q0 पर लगने वाला बल, तो यहाँ क्या है F01 वेक्टर इक्वल के Q0 Q1 और R02 01 और यहाँ क्या आ जाएगा इसकी स्क्वेयर है और R01 की कैप। Q2 के कारण Q0 पर लगने वाला बल ये आ जाएगा F02 वेक्टर के Q0 Q2 R02 स्क्वेयर और आर जीरो टू की कैप। इस प्रकार से अपने इसे एन तक लिख देंगे, अध्यारोपण के सिद्धांत से सभी को जोड़ देंगे और के क्यू जीरो को अपने कॉमन रख लेंगे और ये लाइन अपने पास में बच जाएगी। अब बचा हुआ देखो आगे, अपने ये जो समीकरण लिखी है लास्ट इसकी बात कर रहे हैं, ये आएगा एफ वेक्टर इक्वल के क्यू जीरो और बची हुई टर्म को अपने किसके अंदर लिख देते हैं, समीशन के अंदर लिख देते हैं, समीशन या सिग्मा आप जिसे बोलते हो। तो देखो जो मान बदल रहे हैं उनकी जगह आई आ जाएगा, यहाँ वन बदल रहा है क्योंकि वन टू थ्री फोर फाइव और एन तक जा रहा है, तो यहाँ पर क्या लिख दिया आई लिख दिया और फिर अपने आर और आर के नीचे जीरो, देखो सभी में जीरो आ रही है तो जीरो को अपने जीरो ही रखते हैं, जीरो के बाद में यहाँ वन टू थ्री फोर और एन तक आ रहा है, ये क्या आ जाएगा आर जीरो आई की स्क्वेयर। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है आर, ये देखो जीरो वन तो आर जीरो आई और यहाँ क्या आ जाएगी इसकी कैप आ जाएगी और आई का मान एक से लेकर के एन तक अपने लिख देंगे। आई का मान कहाँ से कहाँ तक है, एक से लेकर के एन तक है। अगर आप इसे आगे लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो एफ वेक्टर इक्वल के का मान लिख दो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो ये क्यू जीरो और Q0 और इस जगह समीशन लगा करके लिख देता हूँ एक से n
क्यू आई और आर जीरो आई की स्क्वेयर और आर जीरो आई की कैप। ठीक है, ये अपने पास में क्या आ जाएगा, ये अपने पास में एफ वेक्टर जो है उसका मान आ जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग क्या कर सकते हो, अध्यारोपण के सिद्धांत को काम में ले सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप चाहो तो याद भी रख सकते हो। तो ये अपना टॉपिक था, यदि बहुत सारे आवेश जो है मिलकर के किसी एक आवेश पर बल लगा रहे हो और अपने इसके अंदर किसे काम में लेते हैं, अपने इसके अंदर जो अध्यारोपण का सिद्धांत है उसे काम में लेते हैं। यहाँ एक दो बातें मैं आपको और बता देता हूँ जो आपको ध्यान रखनी है। ये इसका फॉर्मूला आ गया के वाला, और के का आप लोग मान जानते हो 1/4π एप्सिलॉन 0 होता है, एप्सिलॉन 0 का मान आप सभी जानते हो 8.854×10^-12 होता है, के का मान 9×10^9 होता है। ठीक है, अब देखो कुछ एक बातें और बता देता हूँ आपको। एक तो इस टॉपिक को आपको यहाँ तक करना है, अब जो बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि आपको ध्यान क्या रखना है इसमें। आपने जैसे डायग्राम बनाए हैं, ये अपने क्या कर लिया, डायग्राम बना लिया, और इस डायग्राम के अंदर मैंने इस जगह क्या लिखा है, परीक्षण आवेश Q0 लिखा है, और ये जो दूरी लिखी है ये कितनी लिखी है, R0 वेक्टर लिखी है। और कहीं पर भी जैसे इस जगह मैं क्या कर लेता हूँ, एक Q1 आवेश ले लेता हूँ, और ये इस पर क्या कर रहा है, बल लगा रहा है, और ये लिख रहा हूँ F01 वैक्टर। ठीक है, इसी प्रकार एक दूसरी तरफ भी ले लेता हूँ, ये Q2 है और ये भी इस पर बल लगा रहा है, और ये कितना है, F02 वेक्टर है। ठीक है, ये R1 वेक्टर हो गया और ये R2 वेक्टर हो गया। ये बिल्कुल वही डायग्राम है जो मैंने बिल्कुल शुरुआत में बनाया है। यदि इस प्रकार का डायग्राम आपको बना हुआ मिल जाए तो आपको बिल्कुल वैसे ही सोल्व करना है जैसे आपने अभी किया है। देखो इसके अंदर आपको क्या देखना होता है, इसके अंदर आपको दोनों आवेशों के मध्य ये जो दूरी होती है, ये दूरी देखनी होती है कि दोनों आवेशों के मध्य दूरी कितनी है, जिसे अपने विस्थापन सदिश बोलते हैं। जैसे अगर 3 वाले की बात करें तो यहाँ विस्थापन सदिश जो आपने लिखा है स्ट्रम के रूप में लिखा है, ये स्क्वेयर अगर हटा दें तो पीछे जो बचा है ये क्या बचा है, अपने पास में विस्थापन सदिश बचा है। कभी कभी क्या होता है, कुछ एक बुक्स में अगर आप लोग देखोगे तो इसे सोल्व करते समय कुछ और टर्म काम में ली गई है, वो आपको बता रहा हूँ मैं। या तो आप किसी बुक को पढ़ोगे तो उसमें ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है, या कभी कभी क्या होता है एग्जाम के अंदर आपको डायग्राम बना हुआ मिल जाता है और उस डायग्राम को देख करके आपको टॉपिक सोल्व करना होता है। जैसे परीक्षण आवेश ले रहे थे अपने, ये परीक्षण आवेश Q0 इस जगह रखा हुआ था। यदि ये परीक्षण आवेश Q0 कहाँ होता, मूल बिंदु O पर होता। तो अब देखो, अब ये जो Q1 है ये कहाँ है, इस जगह, ये Q2 कहाँ है, इस जगह। ये देखो, ये R1 वेक्टर दूरी होगी और ये R2 वेक्टर दूरी होगी। अब जो इनका विस्थापन सदिश अपने ले रखा है, जैसे ये ले रहे हैं अपने R03 यदि लेना हो तो, जैसे ये मान लेता हूँ मैं Q3 है और ये R3 वेक्टर है। अब यदि अपने इनका विस्थापन सदिश लेना होता तो अपने लेते हैं दोनों के मध्य दूरी किसके, जैसे इन दोनों के मध्य दूरी R1 है, इन दोनों के मध्य दूरी R3 है, इन दोनों के मध्य दूरी जो है वो कितनी है, R2 है। यहाँ देखो, यहाँ इन दोनों के मध्य दूरी कितनी थी, यहाँ R01 वेक्टर जो है इन दोनों के मध्य विस्थापन सदिश था, पर यहाँ इन दोनों के मध्य विस्थापन सदिश कितना है, R1 वेक्टर है। तो अगर इस प्रकार का डायग्राम आप बना करके इसे सोल्व करते हो तो ये जो टर्म आपने लिख रखी है यहाँ सीधा क्या आ जाता, यहाँ R3 स्क्वेयर और यहाँ R3 कैप आ जाता। ठीक है, ये जीरो वाली जो टर्म लिखी है आपने ये नहीं आती। तो ये आप थोड़ा ध्यान रख लेना कि आपको इसे रटना नहीं है, समझ करके सॉल्व करना है। आपको इन दोनों के मध्य जो विस्थापन सदिश होता है उस विस्थापन सदिश को लेना होता है, जैसा आप लोगों ने कूलाम के नियम में पढ़ा है। कूलाम का नियम क्या बता रहा था, लगने वाले बल के बारे में बता रहा था कि बल जो है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उनके मध्य दूरी के वर्ग के, किन के मध्य दूरी के, जो दोनों आवेश जिन पर बल लग रहा है उन दोनों आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये क्या था, कूलाम का नियम था। तो इसी को आपको ध्यान में रखना है कि आपको दोनों आवेशों के मध्य दूरी लेनी है, ये आवेश जहाँ भी रखा हो आपको वहाँ से क्या कर लेनी है, दूसरे आवेश तक की दूरी जो है वो ज्ञात कर लेनी है, जिसे अपने विस्थापन सदिश के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो ये अपने अध्यारोपण का सिद्धांत है।
अब देखो इसे, अगर ये एक ही आवेश के लिए होता कि बी क्यू जीरो पर क्यू वन बल लगा रहा है, यानी आपके पास में सिर्फ बल लगाने वाला एक ही आवेश होता, इस पर बल अगर क्यू वन लगा रहा होता, यानी ये दो आवेशों का एक निकाय होता, तो यहाँ क्या आ जाता, यहाँ क्यू वन आ जाता और यहाँ आर जीरो वन स्क्वेयर और आर जीरो वन कैप आ जाती। देखो अपने अब जो टॉपिक आता है वो आता है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, और आपको पता हो आपके चैप्टर का नाम भी क्या है, विद्युत क्षेत्र है। अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो विद्युत क्षेत्र पढ़ने के लिए जरूरी बेसिक बातें थी, ठीक है। जैसे कि आप विद्युत क्षेत्र के फॉर्मूले वगैरह अगर बनाना चाहो तो उसके अंदर आपको क्या काम में लेना पड़ेगा, कूलम का नियम जो है वो काम में लेना पड़ेगा। तो अब अपना जो टॉपिक आता है वो आता है विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है। अगर आप छोटी क्लासों की बात करो या पीछे वाली क्लास 11वीं क्लास की अगर आप लोग बात करो, तो आप लोगों ने गुरुत्वीय क्षेत्र के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, जब आप लोगों ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ा था, ठीक है। जब आप लोग गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहाँ आप लोगों ने कौन सा क्षेत्र पढ़ा है, गुरुत्वीय क्षेत्र पढ़ा है, जिसके अंदर अपने बोल रहे थे कि भी अगर कोई एक पिंड के पिंड कोई एक पिंड था और उसके चारों ओर जो क्षेत्र था उसे अपने क्या बोल रहे थे, गुरुत्वीय क्षेत्र बोल रहे थे, जिसमें अन्य जो पिंड है वो किसका अनुभव करे, बल का अनुभव करे। बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ कौन सा क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है। ध्यान ये रखना है कि गुरुत्वीय क्षेत्र में सिर्फ आकर्षण बल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, विद्युत क्षेत्र के अंदर आकर्षण बल हो सकता है और प्रतिकर्षण बल हो सकता है, दोनों प्रकार के बल जो है वो हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विद्युत क्षेत्र की। विद्युत क्षेत्र के लिए आप लोग लिखोगे स्थिर आवेश के चारों ओर, स्थिर आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश किसका अनुभव करे, बल का अनुभव करे, जिसमें अन्य आवेश बल का अनुभव करे, क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी किसी स्थिर आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र, किसी स्थिर आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश क्या करता है, बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे एक डायग्राम बना करके हमने देखें, इस जगह कोई एक क्या है, आवेश रखा हुआ है, तो इस आवेश के चारों ओर इसका क्या होगा, एक क्षेत्र होगा। ये इस क्षेत्र के अंदर जो भी अन्य आवेश आएगा, जैसे यहाँ पर एक आवेश रख दिया आपने क्यू वन, और इस क्यू वन के चारों ओर इसने क्या कर लिया, एक क्षेत्र बना लिया। अब जो भी इस क्षेत्र के अंदर आएगा उस पर ये क्यू वन क्या करेगा, बल लगाएगा, ठीक है। जैसे ये क्यू टू कहाँ पहुँच गया, इस जगह पहुँच गया, ये इसका क्या है, विद्युत क्षेत्र है। जैसे ही ये इसके विद्युत क्षेत्र में पहुँचेगा ये इस पर क्या करेगा, बल आरोपित करेगा, ठीक है। तो ये जो अपने क्षेत्र बना रखा है इसके चारों ओर, ये क्षेत्र ही क्या है, इसका विद्युत क्षेत्र है। तो किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश बल का अनुभव करे, क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। एक आपको ध्यान रखना है कि विद्युत क्षेत्र को अपने किसके द्वारा दर्शाते हैं, विद्युत क्षेत्र को अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में परिभाषित करते हैं, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र को किसके रूप में परिभाषित करते हैं, अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में। तो अब अपना जो टॉपिक आता है वो आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अपना टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये अपना टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे ई वेक्टर से लिखते हैं, ई वेक्टर से लिखते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो क्या होता है, इसका फॉर्मूला बताता हूँ, वहाँ से आपको इसकी परिभाषा बताऊँगा। लिमिट क्यू जीरो टेंड्स टू जीरो और एफ वेक्टर अपॉन क्यू जीरो। तो अगर अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा की बात करें तो आप लोग लिखोगे कि किसी स्थिर आवेश के
चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश बल का अनुभव करे वह विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। अगर तीव्रता की परिभाषा आपको लिखनी हो तो आप लोग क्या लिखोगे कि एकांक धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश पर, परिभाषा लिखोगे आप लोग विद्युत क्षेत्र में स्थित, ये आपको जरूर लिखनी है ये लाइन। कोई भी आप लोग परिभाषा लिखो विद्युत के बारे में तो ये आपको जरूर लिखना है कि जिस पर बल लग रहा है, जिसकी तीव्रता ज्ञात कर रहे हो, वो कम से कम कहाँ स्थित होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र में स्थित होना चाहिए। अगर वो विद्युत क्षेत्र में स्थित नहीं है तो फिर अपने यहाँ उसे पढ़ेंगे नहीं। तो सबसे पहले आपको ये जरूर लिखना है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित, अब तीव्रता की बात कर लेते हैं, विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश पर लगने वाला बल, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश या प्रिक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है, तो एकांक धनावेश कल मैंने आपको प्रिक्षण आवेश के बारे में बताया था, तो ये प्रिक्षण आवेश के रूप में लेते हैं अपने Q0 को। ये Q0 की लिमिट लगा रखी है हमने, लिमिट Q0 टेंड्स टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, इस लिमिट का मतलब ये हुआ कि ये जो अपने आवेश Q0 ले रहे हैं, ये आवेश Q0 ले रहे हैं, इसका मान बहुत अल्प है। ठीक है, इसका मान किसकी ओर अग्रसर है, इसका मान जीरो की ओर अग्रसर है। जीरो की ओर अग्रसर होने का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपने इस Q0 पर कोई अन्य आवेश बल लगा रहा हो, जैसे ये देखो यहाँ एक Q1 आवेश है ये बड़ा, ठीक है, और इस आवेश के चारों ओर ये क्या है, इसका विद्युत क्षेत्र है। अब इस जगह क्या आ रहा है, एक Q0 आ रहा है, तो ये क्या करेगा, इस पर बल लगाएगा, तो ये Q0 जो है वो इतना अल्प है कि इसके विद्युत क्षेत्र के मान भी इस Q0 की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात सुन में आई कि ये Q0 जो है वो इतना अल्प है कि इस Q1 आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर इस Q0 की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी ये क्या है, बिल्कुल अल्प है। ठीक है, ये बिल्कुल अल्प है, इसकी वजह से इसके विद्युत क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये क्या है, अपने पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक, अगर अपने आगे बात करें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो किस प्रकार की राशि है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने पास में एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है किस प्रकार की राशि है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो अपने पास में एक सदिश राशि है। ठीक है, और ई वेक्टर के रूप में इसे परिभाषित करते हैं, ये मैंने आपको बताई दिया है। अगर मात्रक की बात की जाए तो मात्रक जो इसका आएगा, ये देखो बल, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, ये आवेश है, और आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, तो इसका जो मात्रक है वो क्या आता है, इसका मात्रक आता है न्यूटन पर कूलाम, ये इसका क्या है मात्रक है, ये इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप लोगों को ज़रूर याद रखना है, और ये इसका क्या है मात्रक है, मात्रक भी आप लोगों को ज़रूर याद रखना है। और अगर विमा आप लोग निकालना चाहो तो विमा भी आप लोग निकाल सकते हो, ये बल है और ये अपने पास में क्या है आवेश है। देखो बल की विमा आप सभी जानते हो m1 l1 t - 2, ये किसकी विमा है, बल की विमा है, और आवेश की विमा I = Q/T से Q = IT, और ये क्या आता है इस प्रकार से आता है। ठीक है, यानी अपॉन में क्या आएगा, ये आएगा T1 और A1। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हो, तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा m1 l1 t - 3 और a - 1। देखो ये जब ऊपर जाएगा ना तो एक माइनस की पावर और बढ़ जाएगी, जिससे ये बन जाएगा t - 3 और ये a - 1। कल अपने बात करेंगे इसकी दिशा की। धन्यवाद।